दोस्तों, मैं हूं उमेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इंडियन कंप्यूटर चैनल में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें हम अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते रहते हैं जो कि हिंदी में रहते हैं और फ्री होते हैं, जिसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा। दोस्तों, इसे सब्सक्राइब कर लें और इसमें हम इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, CSE, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया से जुड़े सभी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो जल्दी करें दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया उसको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि जियो का नया जो ऑफर निकाला है वो क्या है। 99 रुपये का रिचार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा, 99 रुपये रिचार्ज करने से क्या फ़ायदा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि 99 रुपये के रिचार्ज में आपको 99 रुपये का रिचार्ज कर लेते हैं तो आप पूरे भारत देश में पूरा फ्री कॉलिंग और फ्री रोमिंग कर सकते हैं 1 साल तक के लिए। तो उसके लिए आपको रिचार्ज 1 मार्च से 31 मार्च तक के बीच में कर लेना है। उसके बाद में अगर आप करते हैं, मार्च के बाद अगर अप्रैल में आप करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो 99 का रिचार्ज आप 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में कर लें। तो उसके लिए अपने दुकान, नज़दीकी दुकान पे जाएं और रिचार्ज करा लें, और सभी दुकानदार लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर से रिचार्ज स्टॉक ले लें। सभी रिटेलर भाई अपना रिचार्ज स्टॉक कर लें क्योंकि रिचार्ज शुरू हो गया है, मार्च में रिचार्ज कर देना है सभी कस्टमर लोग। और उन कस्टमरों को जो 99 रुपया का रिचार्ज कर लेते हैं उनको फ्री हो जाएगा पूरे भारत देश में 1 साल के लिए। और 303 रुपये का रिचार्ज है जिसमें 1 महीने तक डाटा यूज कर सकता है, यानी कि 10 रुपया में 1 GB, मान लीजिए 303 रुपया में 1 महीना यानी 30 GB, 10 रुपया के हिसाब से उसको 1 GB मिलेगा, यानी कि बहुत सस्ता, 10 रुपये में 1 GB आपको 4G डाटा मिल रहा। मुकेश अंबानी के बड़ा ऐलान, 170 दिन में 10 करोड़ जियो सिम चालू हो गए, 170 दिन में 10 करोड़ पार होने जा रहे हैं। डाटा यूज करने में भारत दुनिया में नंबर 1 स्थान होने जा रहा है। तो दोस्तों, इसी तरह का हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे जियो के बारे में। तो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, सीखते रहिए।